अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आम सर नईम, मैं योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर वन मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर वन सेट्स। सेट्स के वही सारे टॉपिक्स हैं जो आपने क्लास सेवन और क्लास एट में डिस्कस किया है, लेकिन हम उसको थोड़े से अलग तरीके से और इंफॉर्मेशन के साथ हम इसके स्टडी करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज सेट? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक जैसी चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले को अगर हम एक जगह यकजा कर दें तो वो सेट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे डिनर सेट की बात करते हैं, नंबर्स में हम ऑड नंबर की बात करते हैं, इवन नंबर्स की बात करते हैं। एक जैसे चीज़ों से ताल्लुक़ रखने को अगर हम यकजा कर दें तो उसको हम सेट कहते हैं, और सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स जो कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है स्टूडेंट? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इसकी स्टार्टिंग है 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट डॉट, और ये इनफाइनाइट सेट तक जाता है। अब इनफाइनाइट सेट क्या है? वो सेट जिसका एंड पॉइंट आपको नहीं पता। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं छोटी क्लासेस से कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से ही क्यों शुरू होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को मैथमेटिशियन ने 2 से क्यों नहीं शुरू किया, तो ये मेरी अपनी एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को मैथमेटिशियन ने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को उर्दू में बोलते हैं कुदरती नंबर, और अल्लाह पाक के नज़दीक अल्लाह पाक ने दुनिया में जो सबसे कम चीज़ बनाई है वो एक चीज़ बनाई। मिसाल के तौर पर चांद, सूरज, अल्लाह के नज़दीक नई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते अल्लाह पाक आपने ये क्यों नहीं बनाई। तो इसलिए मैथमेटिशियन ने जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को जो स्टार्ट किया है वो 1 से स्टार्ट किया है, और इसके बाद अल्लाह पाक ने जो चीज़ें बनाने बेतहाशा चीज़ें बनाई 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। लेकिन इंसान के लिए, एक इंडियन मैथमेटिशियन था, हम लोग अपने अल्फाज में नई को जो है वो ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास ये फला बुक है, अगर आपके पास नहीं हुआ तो आप बोलेंगे सर नहीं। तो नई का कॉन्सेप्ट हमने ज़ीरो से रिप्रेजेंट किया, और एक इंडियन मैथमेटिशियन था, इसने हमें जो है वो नेचुरल नंबर के आगे एक नंबर ऐड किया जिसको ज़ीरो बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं होल नंबर का सेट, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर को उर्दू में बोलते हैं मुकम्मल अदाद का सेट, मतलब अब ये सेट हमारे लिए एक मुकम्मल हो गया, ज़ीरो की वैल्यू हमारे लिए हो गई। फिर इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी स्केलिंग चलती है 0, ±1, ±2। अब ±1, ±2, ±3 से क्या मुराद? अब मिसाल के तौर पे अगर मुझे कहीं लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है या अप जाना है या डाउन जाना है, तो मैं अपने पेपर्स में उसको किस तरह रिप्रेजेंट करूँ कि मैं लेफ़्ट गया था 4 किलोमीटर या राइट गया था मैं 4 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन माइनस साइन से ये आप रिप्रेजेंट करेंगे कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे गए थे, प्लस से आप ये रिप्रेजेंट करेंगे राइट हैंड साइड पे गए थे, इसीलिए प्लस माइनस की बहुत वैल्यूज़ है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, पॉजिटिव के एक अलग मायने होते हैं, नेगेटिव के एक अलग मायने होते हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर का वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसके बाद है स्टूडेंट सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, सेट ऑफ प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आता हो, तो आज ये डेफिनेशन अपने जहन से निकाल दें आप कि सेट ऑफ प्राइम नंबर जो है वो नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी। सेट ऑफ प्राइम नंबर की डेफिनेशन है वो नंबर जिसके मैक्सिमम 2 मल्टीपल्स होते हैं। अब मैक्सिमम 2 मल्टीपल्स होते हैं मतलब एक मल्टीपल 1 होना चाहिए और एक मल्टीपल वो खुद नंबर होना चाहिए। यही वजह है अगर आप ये डेफिनेशन लिखेंगे कि सेट ऑफ प्राइम नंबर जो है वो नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आता हो, तो 1 को भी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 1 के 2 मल्टीपल नहीं है, इसकी डेफिनेशन के मुताबिक मैक्सिमम 2 मल्टीपल होना चाहिए, तो 1 का खुद एक मल्टीपल है, तो इसलिए 1 को प्राइम नंबर नहीं कहते। हम प्राइम नंबर कहाँ से शुरू करते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। इसी तरह आपके पास एक आता है सेट ऑफ ऑड नंबर। सेट ऑफ ऑड नंबर क्या है? अगर मैं आपसे पूछूंगा ऑड नंबर क्या होता है, आप बोलेंगे 1, 3, 5, 7, 9, तो इसकी डेफिनेशन ये बताते हैं स्टूडेंट्स कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। देखिए, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड ना हो। मिसाल के तौर पर 3 को आप 2 से डिवाइड कर दें तो 1.5 आ जाएगा, 5 को डिवाइड कर दें 2.5 आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है वो नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो। ऐसा नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ
ऑड नंबर इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी सेट जो है 1, 3, 4 एंड सो ऑन, 1, 3, 5 एंड सो ऑन चल रहा होता है। इसी तरह सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसकी डेफिनेशन को बिल्कुल आप ऑड नंबर की डेफिनेशन को बिल्कुल इन्वर्स कर दें कि वो नंबर जो 2 के टेबल से मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर को हम सेट ऑफ इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा बताता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स पढ़ा आपने, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर और सेट ऑफ इवन नंबर। इसके बाद एक होता है सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं ऑड नंबर को कंसीडर करता हूँ कि ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन ये चल रहा है। अगर मैं इसमें से 4 एलिमेंट ले लेता हूँ, मतलब 3, 5, 7, 9, जो 3, 5, 7, 9 का जो नया सेट बनेगा वो सबसेट कहलाएगा ऑड नंबर का। मतलब किसी सेट में से मजीद सेट बनाना वो क्या कहलाता है आपके पास, सबसेट कहलाता है। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा पावर सेट। पावर सेट हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि पावर सेट क्या होता है, कि अ पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट, अ पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज़ कॉल्ड पावर सेट। कि किसी भी सेट का पॉसिबल सबसेट, मतलब उसके मैक्सिमम कितने पॉसिबल सबसेट आप बना सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। अच्छा, आई होप के स्टूडेंट ये सारा काम जो है आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है, डेफिनेशन लिखना है आपको, ये सेट ऑफ ये सारी नंबर्स लिखने हैं, ये आपको मालूम भी होना चाहिए। तो अगला जो टॉपिक होगा वो पावर सेट का है, और पावर सेट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।